क्योंकि मैं तो आंखें खोल रहा हूँ ना यार, कि क्या होना चाहिए। आंखें खोल रहे, अपनी आंखें बंद कर रहे। तब बोलना है, बोल खुल के। आप बोलने देंगे तब ना। चुप। अच्छा, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट थे मेकाट्रॉनिक्स जो एम्बेडेड में मेकाट्रॉनिक्स कर रहे हो? क्या मेन सब्जेक्ट्स थे? क्या प्री रिक्वायरमेंट्स थी, प्री रिक्विजिट क्या था इस कोर्स में एडमिशन के लिए? बट आई थिंक अगर आपके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की नॉलेज होगी तो बेटर होगा। तो बेटर रहेगा, आपका थीसिस भी पेड होगा। अगर आप कंपनी में करते हो, नॉर्मली थीसिस पेड होते हैं वहाँ पे, तो रहने सहने खाने पीने की टेंशन नहीं होती और पैसे भी इंडस्ट्री वाले ठीक दे देते हैं, अच्छा खासे दे देते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा कोर्स है, स्कोप भी है और इन डिमांड है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, असलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर MR पॉडकास्ट। और मेरे साथ है मरियम। जर्मनी में क्या कर रही हैं, कब से हैं और कौन सा कोर्स पढ़ रही हैं और आगे क्या कैरियर वाइज क्या करना चाह रही हैं? मरियम, मेरा नाम मरियम जमाल है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ पर मास्टर्स कर रही हूँ अपना एम्बेडेड सिस्टम फॉर मेकाट्रॉनिक्स में, FR डॉर्टमुंड यूनिवर्सिटी में, और मेरा ये सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकेंड ईयर चल रहा है, अच्छा। क्या कौन कौन से सब्जेक्ट थे मेकाट्रॉनिक्स जो एम्बेडेड में मेकाट्रॉनिक्स कर रहे हो? क्या मेन सब्जेक्ट्स थे? एम्बेडेड सिस्टम, मेकाट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और इलेक्ट्रिक्स भी बहुत सारे, कंप्यूटर विजन। वो आपकी मर्जी होती है, जिस ब्रांच में आप जाना चाह रहे हो उससे रिलेटेड आप पकड़ सकते हो जो हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है मरियम, तो क्या प्री रिक्वायरमेंट्स थी, प्री रिक्विजिट क्या था इस कोर्स में एडमिशन के लिए? बैचलर्स डिग्री आपकी रिलेटेड फील्ड में होनी चाहिए। क्या है रिलेटेड फील्ड? इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है मेकाट्रॉनिक्स, बट यूजुअली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होती है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, मेरा ख्याल है जिन्होंने मेकाट्रॉनिक्स किया होगा उन्हें भी तो ऑब्वियसली मिलती होगी। हाँ, तो मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल भी मेरा ख्याल है आ जाता है इसमें। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डिजाइनिंग वाला वो जो कोर्स होते हैं उसमें आ जाता है। केमिकल इंजीनियर आते हैं इसमें कोई? या थोड़ा मुश्किल है? हाँ, थोड़ा मुश्किल है, नॉट दैट आई नो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पार्ट ज्यादा होगा ना इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। वो केमिकल में हम इतना पढ़ते नहीं। मैं कंप्यूटर साइंस वाले भी आई थिंक आ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। बट आई थिंक अगर आपके पास थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की नॉलेज होगी तो बेटर होगा। तो बेटर रहेगा, ठीक है, सही। और कोर्स में क्या क्या है, लाइक कोर्स कैरिकुलम में तीन तो हो गए आपके सेमेस्टर थ्योरी के, ठीक है, पेपर निकालने होंगे। एक होगा आपका थीसिस वाला, राइट? हमारे कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ इलेक्टिव्स हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपका पूरा रिसर्च थीसिस और इलेक्टिव्स अगर आपको चाहिए। हमें मतलब तीन इलेक्टिव्स कंपल्सरी करने होते हैं, उसमें से एक मैंडेटरी इलेक्टिव्स में तीन चॉइसेस होते हैं, कंप्यूटर विजन, ऑटोमेटेड ड्राइविंग एंड सिग्नल एंड कंट्रोल सिस्टम टू। अच्छे सारे होते हैं, इनमें से कोई एक लेना जरूरी है। ये तीनों बड़ी लाइक इन डिमांड फील्ड हैं इन जर्मनी में, ऑटोमेशन और ये सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजाइनिंग वाला, ये तो बड़ा फिट पार्ट है यार। तो ये वेली नहीं बैठेंगे डिग्री के बाद, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने पकड़नी है जॉब फिट सीखनी हूँ करके, इंशाल्लाह और मिल भी जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ी इन 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 चल रही है आजकल ना जर्मनी में ये वाली, इसकी मार्केट, जॉब मार्केट बहुत हैवी किस्म की है। तो सही। और फिर थीसिस आप यूनिवर्सिटी में ही करोगे या क्या प्लान है? इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, या कोई इंटर्नशिप की थी आपने पहले, या कोई प्लान है इंटर्नशिप करने का? अभी मेरा रिसर्च थीसिस चल रहा है, तो दो टाइप के थीसिस होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आप रिसर्च थीसिस करते हैं, वो इट्स लाइक प्रोजेक्ट थीसिस, इट्स लाइक स्मॉलर देन मास्टर थीसिस। और फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ सेमेस्टर होता है वो पूरा आपका 6 months वाला मास्टर थीसिस होता है। तो ये दोनों का ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं किसी प्रोफेसर के अंडर, या फिर आप इंडस्ट्री में किसी कंपनी में भी कर सकते हैं। सही यार, ये तो अच्छा है। फिर मेरे ख्याल है आपका थीसिस भी पेड होगा, अगर आप कंपनी में करते हो, नॉर्मली थीसिस पेड होते हैं वहाँ पे, तो रहने सहने खाने पीने की इतनी टेंशन नहीं होती और पैसे भी इंडस्ट्री वाले ठीक दे देते हैं, अच्छे खासे दे देते हैं मेरे ख्याल है। यूनिवर्सिटी में भी अगर आप चाहें, अगर प्रोफेसर आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर पेड हो सकता है, वो भी पेड हो सकता है। हाँ, जैसे अभी मैं कर रही हूँ वो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही कर रही हूँ। हाँ, तभी तो ये इतना फिट घर कमरा शमरा रखा होगा। मेरा ख्याल है मेकाट्रॉनिक्स का ऑब्वियसली लाइक रोबोटिक्स में अगर आप चले जाते हो, मेरा ख्याल है उसमें भी काफी इन डिमांड है। जापान आप चले जाना यार, जापान में बड़ा सीन है रोबोटिक्स का। नहीं, हाँ, जापान में बड़ा, जर्मनी में भी है, जर्मनी में भी है, काफी, जर्मनी में भी है।
ऑटोमेशन रोबोटिक्स और ये वो सारा, तो आपने कहीं कहीं अप्लाई किया, कुछ नजर आ रही है आपको कंपनी का आपकी फील्ड रिलेटेड के? हाँ जॉब, हाँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ज्यादातर है स्कोप, सही है। सो लाइक मर्सिडीज डेमलर, लड़की मर्सिडीज डेमलर से नीचे सोचेंगे मतलब, सही है यार। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, मुझे मेकाट्रॉनिक्स के लोग मिले थे और वो बड़ा इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि मेकाट्रॉनिक्स का जर्मनी में क्या स्कोप है। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें मेरे माइंड में थी, तो वो मैंने आपसे पूछ ली, आपने बड़ी अच्छी तरह क्लेरिफाई किया कि स्कोप गुड है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मरियम को क्या कहना है, मरियम को या मरियम ने कुछ कहना है? कुछ कहना है आपने? सब लड़कियों को बुलाना है, किस तरह खींचना है, यूँ करके खींचे जरा लड़कियों को, कुछ ऐसा बोल दें आँखों में आँखें डाल के लड़कियों की कि वो आ जाए, या फिर या तो लड़के आ जाएंगे आपकी आंखों को देख के या शायद लड़कियां आ जाएं। तो अब बोलिए। मतलब काफी अच्छा कोर्स है, स्कोप भी है और इन डिमांड है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट देख लेना अपना, पता लगे किसी में इंटरेस्ट हो और यहाँ आके खज्जल हो रहे हो। मरियम ने कहा था जो मैं तो आंखें देख के आ गया। चलिए ये था हमारा आज का हमारा पॉडकास्ट, अगले में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।